नमस्कार, गुलमोहर कहानी श्रृंखला के इस चौथे और अंतिम एपिसोड में मैं भूपेंद्र पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी कहानी गुलमोहर का यह चौथा और अंतिम भाग है, तो चलिए सुनते हैं गुलमोहर कहानी का चौथा भाग। एक क्लास टीचर के रूप में लगभग 3 माह बीत चुके थे। मैंने इस विषय पर ज़्यादा सोचना छोड़ दिया था कि अपर्णा कैसी दिखती थी और अस्मिता कैसी दिखती है। मैंने अपना सारा ध्यान अध्यापन पर केंद्रित कर दिया था। मुझे यह अच्छी तरह से पता था कि 10वीं के बोर्ड परीक्षा के परिणाम का किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं सोचता था कि अपने छात्र छात्राओं को हमेशा उच्चतर लक्ष्यों की ओर प्रेरित कर सकूं, ताकि कोई भी मेरी तरह दिशाहीन होकर न भटके। जिस प्रकार माता पिता को अपने बच्चों में अपना ही अक्स दिखाई देता है, ऐसे ही कभी कभी शिक्षकों को भी अपने छात्रों में अपना ही किरदार नजर आता है। हर अच्छा शिक्षक हमेशा ये सोचता है कि उसके सभी छात्र जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल करें, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? सफलता के लिए वास्तव में बहुत से कारक जिम्मेदार होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हर बीज वृक्ष बन जाए, ये जरूरी तो नहीं है। मैंने देखा है कि स्कूल में गुलमोहर की लंबी लंबी फलियों में बीज भरे थे। कुछ बीज पककर नीचे गिर गए थे, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही बीज ऐसे थे जो धरती के अंदर दब गए थे और जिनमें से नन्ही नन्ही कोपलें फूट रही थीं। एक ही माहौल और एक ही परिवेश होने के बावजूद केवल कुछ ही बीज वृक्ष बनने की संभावनाओं से भरपूर थे। मैंने अध्यापन के दौरान पाया कि अस्मिता अपने बाकी क्लासमेट की तुलना में अत्यंत मेधावी है। एक दिन मैंने उससे पूछा, अस्मिता 11वीं में कौन सा विषय लोगी? उसने तुरंत जवाब दिया, सर मैं तो बायो लूंगी, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। एक दिन 10वीं के हम सभी दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि कौन क्या बनना चाहता है और 11वीं में क्या विषय लेगा। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, भाई मैं तो वो सब्जेक्ट लूंगा जो अपर्णा लेगी। मेरे सारे दोस्त जोर से हंस दिए, साथ ही वो फिल्म कयामत से कयामत तक का गाना गाने लगे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। लेकिन इस गाने में एक लाइन मुझ पे सटीक बैठती थी, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। आज जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे खुद पर हंसी आती है कि मेरे लिए मेरा करियर नहीं बल्कि अपर्णा का साथ ज्यादा महत्वपूर्ण था। खैर, मेरे जैसे कई किरदार हर स्कूल में मिलेंगे, एक नमूना मैं भर नहीं हूं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मैं अपनी कक्षा के सभी बच्चों के साथ बहुत घुल मिल गया। एक शिक्षक जब अपनी कक्षा में काफी घुल मिल जाता है तो उनमें एक अनकहा रिश्ता बन जाता है, एक ऐसा रिश्ता जो कुछ कुछ दोस्त और कुछ कुछ अभिभावक जैसा होता है। इसलिए मेरे क्लास के बच्चे मुझे मजाक में कहते थे, सर आप क्लास में आते हैं तो ऐसा लगता है कि क्लासरूम में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, आपका स्टाइल ही कुछ अलग है। खासकर अब जो हर पीरियड के बाद एक शायरी सुनाते हैं, उसका तो हम लोग रोज इंतजार करते हैं। अप्रैल का महीना आ गया, गरम गरम हवाएं चलने लगी, पतझड़ का मौसम आ गया। ये मौसम होता है परीक्षाओं का, जब पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं। ये मौसम मुझे आज भी बहुत डराता है। बचपन से ही इस मौसम से मैं बहुत डरता हूँ, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं कभी अच्छी तैयारी नहीं कर पाता था। हर बार परीक्षाओं के समय यही सोचता था कि अगले सत्र में जुलाई से पढ़ना शुरू करूँगा, लेकिन ये ठीक नए वर्ष की शुरुआत में लिए हुए संकल्प की तरह होता था जो कि कभी पूरा नहीं होता। बच्चों की परीक्षा अप्रैल में शुरू हुई
और मई के पहले सप्ताह में समाप्त हो गई। मेरा सभी छात्रों का पेपर आशा के अनुरूप गया। गर्मी की छुट्टियां लग गईं और सभी बच्चे कहीं कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हैं। आज मुझे प्राचार्य महोदय ने अपने कक्ष में बुलाकर कहा, राहुल सर, आपको 10 मई को दिल्ली जाना है। आपको एनसीईआरटी दिल्ली से अंग्रेजी विषय के मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए नामित किया गया है। आप जाने की तैयारी कर लीजिए और अपना रिजर्वेशन करवा लीजिए। आपका प्रशिक्षण 2 माह का है और आप 1 जुलाई तक वापस आ जाएंगे। मैं प्रशिक्षण के लिए दिल्ली आ गया हूँ। दिल्ली देश का दिल और उम्मीदों और संभावनाओं का शहर, एक ऐसा शहर जो हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला करता है। मेरा सेंटर केंद्रीय विद्यालय के परिसर में था, जो साउथ दिल्ली में है। प्रशिक्षण में मेरा मन लग गया है और न लगे तो भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद मुझे अपने राज्य छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। यहाँ मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आती है, लेकिन यह अनिवार्य प्रशिक्षण है तो यह सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मेरा प्रशिक्षण समाप्त हो गया और मैं 2 जुलाई को अपने स्कूल पहुंच गया। स्कूल पहुंचकर देखा कि गुलमोहर का पेड़ वहां नहीं था, केवल कंक्रीट का चबूतरा ही बाकी था। मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ कि इतना बड़ा पेड़ गायब कैसे हो गया। मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो गुलमोहर का पेड़ गायब भी हो सकता है। मैंने अपने स्कूल के चौकीदार से पूछा, मंगल, ये गुलमोहर का पेड़ कहाँ गया? मंगल ने दुख मिश्रित स्वर में कहा, सर, 1 सप्ताह पहले बहुत जोर की आंधी आई थी जिससे गुलमोहर का पेड़ गिर गया, इसलिए इसे काट कर हटा दिया गया। मेरी आंखों के कोर आंसुओं से भीग गए थे, हालांकि मैंने उन्हें चतुराई से छुपा लिया। मंगल ने पुनः कहा, सर, 10वीं का रिजल्ट निकल गया है। आपकी कक्षा की एक छात्रा ने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैंने आश्चर्य मिश्रित स्वर में उससे पूछा, अच्छा, नाम क्या है उसका? मंगल ने जवाब दिया, सर, अस्मिता पांडे नाम है उसका। वह कल यहाँ आई थी अपनी माँ के साथ, लेकिन वह TC निकलवा कर चली गई। उसके पापा का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया है। मुझे तो यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दूं। मैं हताश निराश कदमों से स्टाफ रूम की तरफ बढ़ने लगा कि तभी मंगल ने कहा, सर, जाते जाते उन लोगों ने सभी स्टाफ को कुछ न कुछ उपहार भी दिया है, मैं आपका पैकेट लेकर आता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। जब वह लौटकर आया तो उसके एक हाथ में पॉलीथीन के पैकेट में एक गुलमोहर का छोटा सा पेड़ था और दूसरे हाथ में एक बंद लिफाफा। वह मुझे वो दोनों चीजें देकर चला गया। जब मैंने लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें से निकली मेरी 30 साल पुरानी किताब धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, जो मैंने अपर्णा को दी थी। किताब के बीच में एक और लिफाफा था जिसके अंदर एक पत्र था और जिसकी मोतियों जैसी लिखावट कुछ कुछ जानी पहचानी थी। पत्र में कुछ ऐसा लिखा था, राहुल, मैं जानती हूँ कि तुम वही राहुल हो जिसके साथ मैं 10वीं में पढ़ती थी। आज हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बहुत आगे और दूर निकल गए हैं। मेरी बेटी अस्मिता तुम्हारा बहुत तारीफ करती थी। मैं जान गई थी कि तुम वही राहुल हो जो मेरा चंदर बन सकता था और मैं जिसकी सुधा बन सकती थी। लेकिन कुछ कहानियाँ अधूरी ही अच्छी लगती हैं। याद है, मैंने एक बार तुमसे कहा था कि वैसे इस किताब को लौटाना नहीं पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यदि लौटाना पड़ा तो मैं वादा करती हूँ कि इसे अवश्य लौटाऊंगी। अगर हमारी शादी हो गई होती तो इस किताब को लौटाना नहीं पड़ता, लेकिन हमारी शादी नहीं हुई तो एक किताब लौटा रही हूँ। कुछ अफसाने निगाहों से बयां जरूर होते हैं, लेकिन उन्हें भी जुबान की ज़रूरत होती है। हम दोनों ने कभी
एक दूसरे से कुछ कहा नहीं। मेरी जब शादी हुई तो मेरे पिताजी अपर कलेक्टर बन गए थे। तुम उस समय अपने करियर को लेकर संघर्ष कर रहे थे। मैं अपने पिताजी से यह कभी नहीं सकती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। आखिर एक अपर कलेक्टर अपनी बेटी की शादी किसी बेरोजगार लड़के से कैसे कर सकते थे? जब तक तुम्हें यह पत्र मिलेगा मैं बहुत दूर जा चुकी रहूँगी। तुम्हें गुलमोहर का पेड़ और इसके फूल बहुत पसंद है, इस पौधे को लगा लेना। इसी बहाने से तुम मुझे याद तो रख सकोगे। रही बात तुम्हारे साथ गुजरे लम्हों की यादों की, तो वो तो ताउम्र मेरे साथ रहेंगी। अलविदा अलविदा अपर्णा। धीरे धीरे आसमान में काले बादल छा रहे हैं। मैं चौकीदार को बुलाता हूँ कि वो फावड़ा लेकर आए। मंगल फावड़ा लेकर आता है। हम दोनों कंक्रीट के चबूतरे के बीच में गुलमोहर का पौधा लगा रहे हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। मेरी आंखों से अश्रुधारा निरंतर बह रही है। अच्छा हुआ जो बारिश शुरू हो गई, अब मेरे आंसुओं को कोई देख नहीं पाएगा। तो यह थी मेरी कहानी गुलमोहर का चौथा और अंतिम भाग। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों ने मेरी इस कहानी को पसंद किया होगा। और यदि मेरी यह कहानी अच्छी लगी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।